पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति द्वारा शहर में देह व्यापार का अड्डा चलाने की सूचना मिलने पर मंगलवार को अपराध शाखा की सामाजिक सुरक्षा दस्ते ने रामदासपेट स्थित निर्वाण ब्यूटी एवं मसाज पार्लर में छापा मारा। संचालक सहित 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपी बंधक को गिरफ्तार किया गया। 2 महिलाओं को उनके चंगुल से मुक्त कराया गया। रामदासपेट जैसे रिहायशी क्षेत्र में पार्लर की आड़ में देह व्यापार होने की सूचना अपराध शाखा के सामाजिक सुरक्षा विभाग को मिली थी। पुष्टि होने से मंगलवार की शाम को पुलिस ने फर्जी ग्राहक मसाज पार्लर में भेजा। सौदा पक्का होने पर संकेत मिलते ही सादे लिबास में बाहर खड़ी पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने पार्लर के प्रबंधक अग्रदीप विमल दास को गिरफ्तार किया और उसके चंगुल से 32 और 23 वर्ष की 2 महिलाओं को मुक्त कराया। गुप्त माहिती मिळाली होती की निर्वाणी ब्यूटी स्पा पंचशील स्क्वेअर केअर हॉस्पिटलच्या बाजूला इथं स्पाच्या ब्युटी स्पाच्या नावाखाली देह व्यवसाय चालतो। त्याच्यावरून आम्ही हंटर पाठवून त्याच्यावर रेड कारवाई केली। त्याच्यामध्ये आम्हाला 2 पीडित मुली मिळाल्या, त्यांची सुटका करण्यात आली आणि मॅनेजर अग्रदीप विमल कुमार दास हा त्या ठिकाणी मिळून आला। एक आरोपी अग्रदीप विमल कुमार दास हा पश्चिम बंगालमध्ये मधील राहणार आहे, मॅनेजर तो पण स्पामध्येच राहतो आणि दुसरा त्याचा एक मालक आहे, स्पाचा मालक तो पण पश्चिम बंगालमध्ये आहे आणि तिसरा एक मुली पुरविणारा गौरव दास बिस्वासा बेंगलोर येथील असल्याचे सांगत आहे। आता त्यांना विचारपूस केला असता जानेवारी 2021 पासून सदर स्पॉटची ओपनिंग केल्याचे सांगत आहेत आणि लॉकडाऊनमुळे बंद होता, मागील 7 तारखेपासून सुरू झाल्याचे सांगत। जनवरी 2021 को इसका उद्घाटन हुआ था। पश्चिम बंगाल के विभूति बाला बिसेन नामक व्यक्ति ने इसे शुरू किया था। उसके लिए गौरवदास विश्वादास नामक व्यक्ति लड़कियों का इंतजाम करता है। गौरवदास और विभूति बाला पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। बताया जाता है कि विभूति बाला महीना या 15 दिन में नागपुर आता है। लॉकडाउन में पार्लर बंद था, 2 दिन पहले ही इसे शुरू किया गया था। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।